जो तू लाने का काम ना करे तेरा के बिगड़ जा। मैं तो तेरा लाने ना खाली, कोई भी काम आया का मुझे लाने दे जा। और तेरा बाप आके मुझे कह रहे पर ना तू स्कूल में जाता, तीसरे दिन तेरा होते लाना आवे, क्यों तेने सारा परिवार परेशान कर रखा। अरे इब सुन नहीं रहा क्या कह रहे, हम महात्मा से बना बैठा जाना कुछ नहीं जानता, क्यों तो हमारा जीना आराम कर दिया है, हमें चैन की दो रोटी खाने देगा कि नहीं। और दादूंगे मैं बालक, अरे किसी के उलाने उसे देख ले कप्तान के छोरे को, अरे कदी उसका उलाना वो तेरा ही साथी है। अच्छा इसे खुआरिया बैठा कर प्राम के यू हर चला का आना, यू बड़ा काम कर का आया, सिर्फ नाश खेत पैदा हो गया घर में, हम काम करी में लिखर भी नहीं सकते, और तू तू इसे जिमारी। दिखे मेरे तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तू जाने तेरी औलाद, मुझे और बहुत काम करने हैं। ये कहाँ चला, दो घड़ी बात सुन ले मारी, डकैत बनेगा मरा बुढ़ापा खराब करेगा के। तो दुनिया के सामान ठाता फिर है के, कभी हमारे घर में कौन सी चीज ना। चाचा तू माड़ी माड़ी बातों को बड़ा चढ़ा के मत बताया करे, किसकी भैंस खोल ली मन ने। भैंस या भैंस तो कम है, तू लाला का नाश करिया, वो रोता आया था पता नहीं क्या क्या कह रहा था तेरे बारे में, शर्म नहीं आई। तने देखा लाला का सामान ठाता मैं, लाला का तो जिस दिन दो लग जाएंगे ठीक हो जाओगा। खून पी लिया हमारा है घर में, के बड़े छोटे हैं कोई बारह पट से कर जा। इसा सारी रात बंदे रहन पाया, और जो किसी ने खोल दिया तो उसकी खाल तार लुआ मैं, और तड़की तड़की मुझे घेर में पाना चाहिए। सुबह हो जाएगा ठीक। खूब पता था अपने बाप के गुस्से का, ये पड़गी शांति, ये बैठ जगह नहीं चलवाया। तीनों ने तो बांध दिया, एक बांध के दिखा दियो कोई सा, बुला ले चल। हाँ ताना है तू, खोलती हो तो खोल दे, ज्यादा भाषण तो देवे ना। मुझे ना पिटना तेरे बाप पे, मैं तो घेर में जा रही सारनी करन। अरे खोल जा नहीं तो देख लिए फिर। सुनी ना आया उसे, जोड़ते बोल तुझे तो सुन गई, तू खोल दे, मेरी गेल जुड़वा दे मुकदमा। मगा खोल दे, मैं तो खोल लू ना। हाल कैसा है जनाब, अच्छा बल्ला सा जोड़ा बुग्गी में, ऐसे में तो तेरा एक फोटो खींच जाने बहुत बढ़िया लगेगा। फोटो फोटो तो मैं तेरे उस फूफा काली चरण का खींचूंगा, वही तो गया लंग लगा के। अकल तो तुझे है ना बात करने की, जी भी तो बंदा पड़ा है, ईब भी खुलने की बात ना कर। तो फिर खोलती क्यों ना है, ईब आया ना राह पर। जल्दी खोल। खोल तो मैं दूंगी, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। के बात? बस एक बार नू कह दे, अक मैं तुझे अच्छी लगूं। बस नू कह दूं? हाँ। टाल मार खोलने की, मुझे ना खोलना। एक बार फिर सोच ले, कोई ना खोलने का है। टाल मार अपना काम। लली आ गई तू, मैं तो कितनी बार तक फोटो ढूंढ रहा था, तन नहीं तो धरे थे, अच्छा कहां धर दिए, अब ना मिले तो फिर खिंचवाने पड़ेंगे, फिर पैसे लगेंगे, अब जब तक खिंचवा लूंगा फिर पा जाएंगे, फिर पा जाएंगे। मुझे ना पता कहां धरे, मैंने ना देखे, बक्से में ना मिले क्या, बक्से में देख लेना। नू दुखी होना पड़े बिना वीर बनने के, और इतने रश्मि की गुप्पी रही, एक सुई भी तो ना खुई, वो बिचारी स्वर्ग में हम नरक में, ऐसा संभाल के धरती हर एक चीज को, मांग तू इलाके हाथ पे धर दे।
नहीं हो तू। लो दूध पी लो। इस दूध को से मनोज को दिया और उसकी रस्सी खोल लिया। अजी तुमने बड़ी चिंता करी, उसने दूध भी पी लिया, उसकी रस्सी भी खुल गई। रस्सी खुल गई? गेट भेड़ का फटाफट देना। गेट तो मैंने भेड़ दिए। क्या करें, इसका कुछ समझ में बात नहीं आती। सारे दिन गांव में उल्टे सुलटे काम करे, कुछ कहवे तो पाड़ने को आवे। ब्याह हो जाएगा, सिर पे जिम्मेवारी आ जाएगी, अपने आप काम करने लगेगा। अरे के ऐसी तेजी करने लगेगा, सूर्य ने सारे कुंडबे की नाक में दम कर रखा। अरे अरे किसी को कुछ दिखाई दे वे के? अरे आज तो मैं मम्मू भाई बैस नवारा आवायो। अरे मैं यूं सोचा, हम जिंदगी में नहाए हो या ना नहाए हो, भैंस तो नुवा लू। अरे भैंस के तू अपने आप नुवारा, भैंस तो तेरे पे वो रात वाली गोड़ लच्छी नुवारी। खैर एक बात है भाई, वो मम्मू भैंस नुवावे बहुत मुड़ मुड़ के। क्यों भाई, भैंस दूध ना देती? दूध और हल्दी चोट में बहुत काम आवे। अरे सुन, मैं भैंस को नुवा के उसका तेल भी लगाऊंगा। अच्छा रे, खैर भाई एक बात, तेल तो रात लच्छी का भी लग रहा था। देख लू एक एक को। हाय, इस गुस्से को कभी नाक पे भी उतार दिया कर। आज स्कूल ना गया, मैं भरवाऊं पानी। तेरा कोई काम ना है? मैं ऐसे क्यों नाराज हो रहा है, मैंने तो खोल दिया था। मैंने कह ही तेरे से खोलने की, जाना वो भेड़ का पुप्पा आ जाएगा। लिखावे ऐसे जब बलद के चश्मे लग रहे हो। किसी से कुछ भी कह ले, पर मेरे से नाराज मत हुआ कर। के को सामन से करवा रहा है? मुझे जरूरत ना ऐसी कुछ सामान। दिखे देख, कितना बढ़िया नाम मिलने वाली तुझे। ये चांद पे तो उतर के देख लूंगी तुझे भी, तू कौन से उसी की परिव्याह कर लाऊंगा। देख लिए, सारी दुनिया देखती रह जाएगी जब लाऊंगा। रामकरण। यस सर। चंद्रभान। यस सर। मामराज। यस सर। जयगोपाल। यस सर। कोई नहीं। अच्छा शबनम, तू तो जमालपुरी की लड़की है ना, समोली से? ठीक है। छोरी तो गदर पर सीट गलत पकड़ गई। पूरा कमरू देख तो, क्या गदर मारा है तुम? जसवंत, ये मेरे चाचा की छोरी है। चाचा की? अच्छा सुनो, सब अपनी अपनी किताब लेते हैं, वहां पेड़ के नीचे आ जाओ।
शबनम तू? अरे हेमलता तू? तू कहाँ बैठी थी? मैं तो वहाँ बैठी थी, पर तू कहाँ बैठ गई? या तो बड़े बदतमीज लड़के मनोज की सीट है, तुम्हारे दो राजा। अरे मैं तो ना बैठा था, कोई अपने दो रे। अपनी माँ बाण दो राजा का बैठ जा। देख ला हर वक्त अंगारे बरसावे बस। तू रहकर ना तो फूक जाएगा। अरे हम तो कल को तैयार बैठे है। तो फूक जाओ फिर हमारे नाम क्यों लगो? अरे नाम तो किसी के लगा दिया तो हमें फूक तो दो। जब बजा गया इतना गंजी जी। कैसे किसी अजीबो गरीब नमूने इस स्कूल में ये तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे? छोरियों के पीछे तो इस स्कूल के लड़के बावलों की तरह पड़े रहे हैं। सारी क्लास ही ऐसी है क्या? सारी क्लास, पूरा स्कूल ही ऐसा है। एक ठीक है तो वो किसी से सिद्धे में बात ना करता, फिर लड़कियों से बात ना करता। लड़कियों से तो ऐसा चिड़ा जैसे उसे खा जाएंगे। मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ू थी, वहाँ का माहौल ठीक था, और तो और स्कूल में जाने की नियाबी बस लगी हुई थी। यहाँ रोज पैदल जाना पड़ा है और यहाँ तो सवारी का भी कोई साधन ना है। बच्चों छोरियो चल। भैया जी रुकिए रुकिए, भैया आपकी दांती गिर गई। दांती रोकियो पुकी, थामियो दांती गिर गई। अरे कित जाओगी तुम? यही जाओगे समोली? आ जाओ तो बैठ जाओ, वहीं उतर जाइयो। आराम तो बैठियो, फिर चोट लगवा लो। बैठ गई? चलो चल। दोनों संभाल ली जाओगी? हाँ भैया जी। कौन सी क्लास में पढ़ा करो तुम? इंटर में। चल बस भैया जी, यही रख दो, हमारा काम आ गया। अच्छा अरे देखियो ये लंबे वाली छोरी कितनी सोनी है, ऐसी मारे मनोज कहा जाता हो? मनोज के? पहली बात तो मनोज के ऐसी आवे नहीं, पर जो आ गई ना उसके लक्षणों को देख के 4 दिन में ही भग जाएगी। तेरा सुसरा सारे दिन फिर हो जाए बीड़ी पिस्ता। चल तेरा भी नया दाखला है? नया दाखला लिखे। अरे तू यहाँ कहाँ बैठ गया? ये सीट तो बड़े बदतमीज लड़के मनोज की है, अगर वो तुझे यहाँ बैठा देख लेगा ना तो तेरी क्या लड़ाई झगड़ा कर देगा। अब लल्लू की तरह यहाँ मत बैठ, बाहर फिर तेरे क्लास में चला जा। हाँ तो मैं कह रहा था अहिंसा परमो धर्म है, यतो धर्मस ततो जय, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। जहाँ धर्म है वही जय है। तू क्यों लड़ाया? जा भाग जा यहाँ से, तेरा तो नाम कट गया। एक महीने में आया, आज सरा मान रखा है स्कूल को। जा अपने बाप को बुला के, नहीं तो यहाँ आ मत जाइए। अजय गुरु जी अब के चढ़ा लो नाम, अब ना करने का एक दिन की भी छुट्टी। मनोज मैं तुझे कितनी बार समझा चुका। यू है क्या मनोज? हाँ यू ही तो है। अजी चढ़ा भी लो, जब मैं कह रहा इबना करने का ऐसा। जा राज्य में चला जा, क्यों मुझे डंडा खाने मजबूर करे। जा ओए सीधे बैठो या भेज दूसरी गैल तुम्हें भी। अजी उसकी गैल तुम रोज ही रहे, हम इनकी गैल बैठा देने आगे बैठी। पोड़ लगाओ। अरे थरी डोर कट्ठे हो रहे स्कूल में, बिना डंडे के ना सुधरो तुम। इधर आओ जी। हम तो पढ़ान के मारो कह रहे थे कि इनकी गैल बैठा दो हमें आगे। मुर्गा
मुर्गा बनाओ सारे, तब मैं आज आज भी बनाकर छोड़ दूंगा। अजय मास्टर जी कह तो रहे थे हम अगर मुर्गा बनो और आदमी कुकर बन जाएंगे हम। तुम मुर्गा बनो पहले, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अजी गुरु जी मुर्गा तो तुम मजा बना दियो और इनकी बनाई है मुर्गी। जुबान चला रहे हैं, मुर्गा बनो। मास्टर जी आपको प्रिंसिपल साहब दफ्तर में बुला रहे हैं। अरे ठीक है, जब तक मैं ना हूं ऐसे मुर्गा बने रहना। रे स्कूल में मुर्गे आ गए, किसी को दाना घेरना हो तो घेर लो। अरे घरु भी कोई दाना हो ना तो बता दिए भाई, हम तो थारे घरु जाकर चुग लेंगे। कौन बोल रहे हो, तोड़ दूंगा तीनों को, यहीं धर का यहीं पड़ पाओगे। अच्छा, अरे वो ना हमारा शेर, उसके आगे ना खोलने का जुबान गुरु पद दिए थे भी। अरे क्यों यहाँ शास्त्री कहाँ है? अरे शास्त्री को फूंक पर यहाँ मुर्गा बनवा गया मैं। खुश हो या भी? अरे हुआ के वो शास्त्री है ना। अरे वो अजी गुरु जी यू है मेरा बाप। क्या मतलब? मेरे पिताजी हैं जी। तुम्हारा ये लड़का इतना नालायक है, इतना नालायक है, मैं इसे स्कूल में बिल्कुल नहीं रख सकता। स्कूल में तो आके यू थारा भी टाइम खोरा और अपना भी टाइम खोरा। मेरे मानो तुम इसे या तो कोई काम धंधा सिखा दो या खेती बाड़ी में लगा दो इसे। ठीक कह रहे हो मास्टर जी, इस तरह पूरा काम दुखी है और इसका बाप दुखी। क्या मेरा मतलब है? मैं भी पूरा दुखिया लिया इसका, तो अब तो तुम इसका नाम चढ़ा दो। श्रीमान जी इसकी इतनी शिकायत है, इतनी शिकायत है, मैं इसका नाम बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता। हाँ प्रिंसिपल साहब से मिल लो, चलो देख ले। अब तुम सब अंदर कमरे में जाओ, आप मेरे साथ आओ जी। चल चल आइए आप। अरे शास्त्री जी क्या समस्या है? सर ये है वो लड़का मनोज, इतना नालायक लड़का है सर, कभी स्कूल टाइम पे नहीं आना, कोई काम टाइम पे नहीं करना। क्यों भाई सीधे खड़े हो? पहले कॉलर ठीक करो, ये क्या है? इन्हीं हरकतों की वजह से इसका नाम कट गया सर, और आप इनके पिताजी नाम चढ़वाने के लिए आए सर। पहले से लापरवाही दिखाई दे रहे तुम तो, तुम्हारी ड्रेस प्रॉपर नहीं, ठीक नहीं, इस तरह से चलेगा कॉलेज? सही समय पर आया करो, ठीक है? समय पर आओगे? आप भाई आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी मैं ही पिता जी हूँ। अच्छा आपको पता चला था कि इनका नाम कट गया? हाँ जी मुझे पता लगा था। अच्छा हम भी बहुत परेशान हैं जी इनसे। परेशान आपस में कोई हरकत कर दी तो इसको लड़ो तय तोड़ दियो। ठीक है इसकी पिटाई तो हम करेंगे ही बाद में। क्यों शास्त्री जी ने चांस दिया था? ठीक है सर रख लो सर। ठीक है एक चांस और देते हैं हम तुम्हें, इसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर नहीं रखे जाओगे। चाहिए।